सो भाई ये है मेरा आज का ड्रेस फर्स्ट डे का जो कि मेरा टेलर ने मुझे लास्ट मोमेंट पे फिर सी के दिया है। ओए होए होए गड्डियां मिल गई भाई, बाजी को तो गड्डियां मिली। ओनली 1500 दिस टाइम बाजी, प्रमोशन होने के बावजूद ये हालात है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन है, तो आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का ब्लॉग मैं किचन से स्टार्ट करूँ क्योंकि ऑब्वियसली ईद के दिन ख़वातीन जो है वो मोस्टली सारी किचन में ही पाई जाती हैं, क्योंकि ईद का दिन होता है तो घर में स्पेशल खाने बनते हैं। सो बस हम भी कुछ इसी तैयारी में मगन है। आज मैं फ़िलहाल बना रही हूँ अभी बिरयानी, और आपको भी दिखाती हूँ बिरयानी की शक्ल। सो भाई चावल जो है वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, और कोरमा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, और मेहंदी का कलर चेक कर लें। सो बस ये चल रही है फ़िलहाल तैयारियाँ, और अभी तक जो है वो इतनी कोई तैयारी नहीं की है, मतलब अभी कोई कपड़े वगैरह नहीं पहने। तो मैंने कहा पहले ज़रा खाना वाना बना लें, अब तैयार होकर किचन में कौन आता है भाई। सही है, मैंने कहा भाई पहले फटाफट ज़रा लंच वगैरह बना लेते हैं, ज़रा किचन में काम से हो जाए फारिग, उसके बाद ज़रा फ्रेश होते हैं, देन कपड़े चेंज करते हैं, तैयार श्यार होते हैं, उसके बाद फिर ईदी का सिलसिला ज़रा करते हैं स्टार्ट। सही है गाइस, और फिर आपको भी साथ लेके कनेक्ट करेंगे, और आप भी देखिएगा ज़रा आज हमें कितनी ईदी मिलती है, कौन किसको क्या देता है। सही है। सो भाई ईद के लिए हमने स्पेशली जो है वो टेबल के न्यू अरेंजमेंट किए हैं, नया टेबल कवर सिलवाया है, और जो है ये टेबल मैट्स मंगवाए हैं दराज से बाजी ने, एंड दे आर वेरी गुड इन क्वालिटी। सो टेबल जो है वो ऑल सेट है, और बस अभी इस पे ज़रा सा सारी चीज़ें रखते हैं लंच की, और टेबल को करते हैं डेकोरेट। सो भाई हमारा लंच टेबल हो चुका है रेडी, और सबको बुलाते हैं अब लंच के लिए। ले देखें इनको, देखें ये मना रही है ईद हमारी बाजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ज़रा इधर आएँ, बस सूट तो दिखाएं, ज़रा इधर आएँ। कहाँ का है आपका, कौन से ब्रांड का सूट पहना हुआ है आपका? खाड़ी का सूट है। खाड़ी, खाड़ी के पसंदीदा। और स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये सूट बनाया है मास्टर साहब ने। हाँ आपका टेलर तो सीते थे कपड़े, हमारा टेलर नहीं सी के देता। सही है, कोई बात नहीं, चले बैठे प्लीज़ लंच करें, बताएं आज की बिरयानी कैसी बनी है। और स्पेशल बिरयानी आफिया की तरफ से होती है। सो भाई ये है मेरा आज का ड्रेस फर्स्ट डे का जो कि मेरा टेलर ने मुझे लास्ट मोमेंट पे फिर सी के दिया है। थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे सूट सी दिया। और मेहंदी का रंग कैसा लग रहा है आप लोगों को? नेल पॉलिश लगाई थी लेकिन बहुत देर हो गई है, मैंने कहा चलो बाद में लगा लेंगे। वस्सलामुअलैकुम अम्मी, ईद मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं अम्मी। निशात लीलन का सूट पहना हुआ है अम्मी ने, ज़बरदस्त। सो भाई गाइस ये मैंने अम्मी के लिए सूट पसंद किया था, लेकिन गिफ्ट बाजी ने दी है, पसंद मेरी थी और सूट अम्मी का है। मैं अच्छी लग रही हूँ अम्मी, कलर अच्छा लग रहा है ना। मैंने कहा अम्मी कह रही काम नहीं करो मेहंदी होता जाएगी, मैंने कहा अम्मी कुछ नहीं होता एक दिन से। भाई अभी तक सब मेरा इंतजार कर रहे थे, अब मैं तैयार हो गया ना, अब सारे भाग गए थे सुबह, और जी भैया मैडम तो फाइनल रेडी हो गई है। मैंने कहा अब जल्दी से आओ ताकि ईदी वीदी कलेक्ट करें, फटाफट जरा माहौल बनाए ईदी वाला। और ये आ गई है हमारी बाजी। बाजी को तो वैसे आप उन्होंने देख ही लिया था बिफोर लंच। सो बस मैंने कहा बाजी अब थोड़ा सा ऑफिशियल भी आप ही कर देना एंट्री। सो सूट कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच, फाइनली सी ली गया, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी कि सी लेना। अच्छा सी है ना। सो भाई हमारे पप्पा भी आ गए, पप्पा बैठिए। ईद मुबारक पप्पा। ईद मुबारक बेटा। और आपने गाड़ी जीत ली है भाई, मुबारक हो, आपने गाड़ी जीती है पप्पा। कब आ रही है आपकी गाड़ी? कब आएगी भाई, आपकी गाड़ी नहीं आई? चले चले सर, चले भाई कौन शुरू करेगा पहले ईदी वाला काम? पप्पा से स्टार्ट। सही है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब पप्पा, आदाब आदाब आदाब। ओए 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 भाई अम्मी की बनती भी है, अम्मी की बनती भी है। सही बात है, और क्या। और अब सेकंड नंबर किसका है? अम्मी। सब अम्मी के पास जा, नहीं नहीं सब अम्मी के पास जा। आ जाओ जवेरिया, सबसे पहले जवेरिया छोटा गाका हमारा। वाह वेरी गुड भाई, सबसे छोटी है ना। चलो भाई
गड्डिया मिल गई भाई बाजी को, तो गड्डिया मिली है। ईद मुबारक अम्मी आपको, ईद मुबारक आपको, हमेशा अच्छा रखे, हमेशा। चलो भाई ये ले जी, गड्डी मिली अम्मी। चलो जी, ईद मुबारक अम्मी, ईद मुबारक आप लोगों को, बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, सब सब अच्छे लग रहे हैं। फायदा हमें लोग देखें कैसा लग रहा है, बाजी ने एनवलप तो बड़े जबरदस्त लिए हैं, जबरदस्त, वेरी नाइस। और आए जरा बाजी की ईदी चेक करते हैं कितनी दी है बाजी ने। 1 2 ओनली 1500 दिस टाइम बाजी, प्रमोशन होने के बावजूद ये हालात है। मतलब है अभी ट्रीट इज कोई तकरीबन 5000 की ईदी आनी चाहिए थी एनवलप में, और क्या भाई, अब इतना तो होना चाहिए। महंगाई हो गई है, महंगाई में आपका बजट बढ़ जाना चाहिए, और आपने इस दफ़ा सूट भी नहीं लेके दिया ईद पे। सूट नहीं लेके दिया? नहीं लेके दिया जी। कौन सा? कोई भी नहीं दिला के दिया। नहीं कोई सूट नहीं लिया, बस आइए आप मंडे को ले जा रहा, सही है दिलाने। चलो ओके। सो गाइज, इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं अम्मी को ईद ही दूँ, क्योंकि मैंने अम्मी के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लिया। आई एम गिविंग हर 5000 का नोट, सही है, तो आए देते हैं उनको। सो अम्मी, मेरे पास एक सरप्राइज़ है आपके लिए। आपने आँखें बंद करनी है अपनी, जब मैं बोलूँगी फिर खोलेगा। हाथ आगे कर लें। ओपन योर आइज अम्मी, आपके लिए ईदी। लो ईदी बनती है अम्मी के लिए। क्यों भाई, बनती है कि नहीं बनती? बनती तो है। और क्या, आपने पूरे रोजे रखे हैं, और अम्मी आपने माशाल्लाह इतना सारे हाँ भाई, नहीं मैं सोचता अम्मी के लिए गिफ्ट लूंगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल सका, इसलिए आपके लिए गिफ्ट। सही अम्मी, मैं आपको। और अम्मी आपकी ईदी, और आपने जो है अपनी कोई चीज़ लेनी है बस, खबरदार आपने कोई घर की ईदी ऐसी वैसी कोई चीज़ ली। हाँ, अपनी चीज़ लीजिएगा अम्मी, आपने अपनी पसंद की चीज़ लेनी है बस, जो कि सिर्फ आपके इस्तेमाल में हो। आप अपनी शॉपिंग करें। हाँ, और अपनी पसंद से लीजिएगा। मैं भी सोच रही हूँ कि इन लोगों को मैं भी ट्रीट दे दूँगी, क्या याद करेंगे ये लोग। सही है, तो 3 girls 3 treats, सही है, ऑल डन। सही है, ये सही रहेगा। सही है, अब बस अपने अपने सब स्पॉट्स जो है वो डिसाइड कर लें, कौन कहाँ कहाँ ले कर जाए। मैं फिर आप लोगों को वाटर पम्प ले जाती हूँ, वहाँ पे काठियावाड़ी छोले खिला देती हूँ। नहीं, मामू के पास। हाँ, मैं भी एक इंशाल्लाह। सो भाई, मैंने तो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और बैक टू बेसिक हो चुके हैं। मैं ईद का दिन गुजर गया है पहला, सो बस अब सुस्ती सी हो रही है, बोरियत सी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। सो मैंने सोचा आप लोगों से कनेक्ट किया जाए गाइज। तो बस ये था हमारा आज का ब्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो वाकई पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि किस किस को कितनी ईदी मिली है। सही है, सो मिलते हैं आपसे दोबारा से एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।